अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरात ओसवाल जैन संघ आयोजित भव्य ॲक्युप्रेशर सुजोक मॅग्नेट व्हायब्रेशन थेरपी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून दिनांक 16 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबरपर्यंत 7 दिवसीय शिबिराचे आयोजन जामनेर शहरातील जळगाव रोडवरील आनंदनगर येथील आराधना भवन या ठिकाणी करण्यात आले आहे। 16 नोव्हेंबरपासून दररोज सकाळी 8 ते 12:30 आणि दुपारी 3 ते रात्री 9 अशा वेळेत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनामध्ये हे शिबिर राबवण्यात येत आहे। तर 22 नोव्हेंबरपर्यंत हे शिबिर राबवण्यात येणार असून जास्तीत जास्त नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन तज्ज्ञ ॲक्युप्रेशर थेरपिस्ट डॉक्टर महेंद्र पिताणी यांनी केले आहे। नमस्कार, आत्ता आपण जामनेरमधील आनंदनगर येथे आलेलो आहोत। येथे आज ओसवाल जैन संघ जामनेर यांच्यामार्फत मोफत फिजिओथेरपीचे आयोजन करण्यात आलेले। दिनांक 16 तारखेपासून ते 22 तारखेपर्यंत या थेरपीचे आयोजन करण्यात आले असून अनेक नागरिक या थेरपीचा फायदा घेत असताना आपण येथे पाहत आहोत। तुम्ही येथे पाहू शकता की अनेक नागरिक या थेरपीसाठी इथे आलेले आपल्याला येथे पाहत आहेत। तर याबाबतची अधिक माहिती म्हणजेच ह्या थेरपीमध्ये कोणकोणत्या पद्धतीचे थेरपी केली जाणार आहे याबाबतची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। ये हमारा एक्यूप्रेस रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान से हैं। हमारा इधर अभी ये जामनेर के अंदर दूसरा शिविर है। पहले अपना इधर महावीर भवन के अंदर शिविर हुआ था जहाँ हमने लगभग 250 पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ। उसमें काफ़ी लोगों को 70% तक उनको आराम मिला। जैसे नर्वस सिस्टम में गुड़गे दुखी, मान दुखी, पाट दुखी, जो नर्वस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आती है उनके लिए हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एवं सुजोक थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। 16 तारीख से शुरू हुआ है जिसमें 81 यानी 81 पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये 22 तारीख तक चलेगा, सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और संध्याकाली 3 बजे से 8:30 बजे तक चलता है। इसमें अपने मणका से आजार हैं, दमा हैं, एलर्जी हैं, सांधे दुखी, मान दुखी, पैरालिसिस, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, पाटी सा त्रास है, कमर दुखी, लटपना है, झोंक ना लागे, कान नाक घसा याजे आजार हैं, डोके दुखी, अतिसार, झोंक लगवी होने, साइटिका का है, हाथा पाए में मूंगी आता हो, पोटे से विकार हो, पोटरा मिल नस अखड़ना। इसमें एक्यूप्रेशर से अपने हाथों या पाँवों के अंदर रिप्रेस्ड पॉइंट होते हैं उनको प्रेशर देकर ट्रीटमेंट किया जाता है। और सुजोक थेरेपी से हम जो मेथी के दाने आते हैं उसे हम एक्यूप्रेशर ये सुजोक थेरेपी से पॉइंट को बांध देते हैं तो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से पेशेंट बीमारी से दूर होने लगता है। ये थेरेपी के बेनिफिट, हाँ, ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जैसे अपन जो बीमार व्यक्ति हैं वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते। अगर जो बीमार व्यक्ति है वो कंटिन्यू एक्यूप्रेशर थेरेपी करता है तो वो प्राकृतिक रूप से बिना दवाई, बिना कुछ खर्च किए हुए वो ठीक हो जाता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अगर कंटिन्यू एक्यूप्रेशर करते हैं तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। जैसे अपने प्राचीन लोग नंगे पाँव चलते थे तो वो प्रेशर होता रहता था, अभी नंगे पाँव चलना वगैरह सब वो नहीं हो रहा है ऐसा। तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट हम यहाँ पॉइंट भी बताते हैं, जैसे मान का दर्द हो तो पॉइंट कहाँ रहता है, ये कमर दुखी उनका पॉइंट, हर पूरे अपने बॉडी के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं उनके सारे पॉइंट हम बताते हैं, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आत्ताच आपण त्यांच्याकडून याबाबतची माहिती जाणून घेतली असून अनेक वेगवेगळ्या आजारांवरती उपचार करत असल्याचे त्यांनी आपल्याला सांगितले, जसे की मानदुखी, सांधेदुखी किंवा पोटाचे काही विकार असतील अशा वेगवेगळ्या आजारांवरती उपचार करणार आहोत असे त्यांनी आपल्याला सांगितलेले। व आत्तापर्यंत जामनेरमध्ये 81 पेशंटनी याचा लाभ घेतला असं देखील त्यांनी आपल्याला सांगितलेले। कॅमेरामन सुप्रो जाधवसह मी प्राजक्ता खरे, JBN महाराष्ट्र, जामनेर। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।